Now we will study the artificial kidney, why the artificial kidney is required. Because of when the one kidney of a person is damaged, अगर एक किसी person की एक kidney damage हो जाती है तो वो दूसरी kidney से काम चला सकता है. But अगर किसी person की दोनों ही kidneys damage हो जाती है तो उसके पास कोई option नहीं होता है blood को filter करने के लिए. तो उसके लिए ब्लड को फिल्टर करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डायलेसर. डायलेसर इज ए आर्टिफिशियल किडनी विच इज रिक्वायर्ड टू फिल्टर द ब्लड ऑफ अ पेशेंट विच डैमेज बोथ ऑफ हिज किडनीज. राइट, देन आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? और सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज अपन ये देखते हैं कि ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना असेंशियल हो जाता है. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनती है. नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब जो कि प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनती है. जैसे कि सपोज जो होता है अमोनिया, जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एट ऑल इज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट. इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर बनती है. जैसे कि अगर अपने एक्सेस क्वांटिटी के अंदर विटामिन का यूज करते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में मिनरल्स यूज करते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में जो वाटर होता है, एक्सेस क्वांटिटी में जो सॉल्ट होता है, और ड्रग्स जो अपन यूज करते हैं, वो ड्रग्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी बॉडी से बाहर निकलता है. यूरिन के थ्रू वो प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं. वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बॉडी से बाहर इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू. अब अगर किसी पर्सन की दोनों ही किडनी फेल है तो उस पर्सन के अंदर अपन आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं जिसको अपन डायलेसर बोल देते हैं या डायलिसिंग मशीन बोल देते हैं, और इसको हीमोडायलिसर भी बोला जाता है बिकॉज इट फिल्टर द ब्लड. ये ब्लड को फिल्टर करता है इसलिए इसको हीमोडायलिसर बोला जाता है. अब हीमोडायलिसर के अंदर अपन किस तरीके से ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं तो देखिए मैं पहले इस मशीन की असेंबली बता देता हूँ पूरा. कि जो ब्लड लिया जाता है वो ब्लड लिया जाता है आपका आर्टरी से. और आर्टरी से ब्लड क्यों लिया जाता है? बिकॉज आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होता है तो ब्लड अपने आप ही आर्टरी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लड जो होता है वो रेडियल आर्टरी से लिया जाता है, और ब्लड जब रेडियल आर्टरी से बाहर आता है तो वो पंप के थ्रू डायलिसिंग मशीन के अंदर आता है. डायलिसिंग मशीन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखनी है. तो डायलिसिंग मशीन के अंदर सबसे पहले एक फ्लूड भरा होता है जिसको अपन बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूड या डायलिसिंग सॉल्यूशन. डायलिसिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लड की कंसंट्रेशन के सिमिलर बनाया जाता है. मतलब जो ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है, मतलब ब्लड के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसके सिमिलर बनाया जाता है. उसके सिमिलर उसका पीएच रखा जाता है, उसके सिमिलर उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी रखी जाती है. तो मतलब ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है ये हमारे ब्लड के आइसोटॉनिक हो जाता है. क्या हो जाता है? ब्लड के आइसोटॉनिक हो जाता है. मतलब ब्लड की कंसंट्रेशन और डायलिसिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है. दूसरा, इस डायलिसिंग मशीन के अंदर यूज होती है ट्यूब, और इस ये जो ट्यूब होती है ये जनरली सेलोफेन की या फिर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि इसके अंदर से जो सॉल्वेंट है वो तो क्रॉस हो सकता है बट सॉल्यूट जो होते हैं वो सिलेक्टिव सॉल्यूट ही क्रॉस हो सकते हैं. ठीक है, नाउ अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो ब्लड के आइसोटॉनिक है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये है सिलेक्टिवली परमिएबल. ये जो ट्यूब अंदर लगाई गई है ये है सिलेक्टिवली परमिएबल. तो होता क्या है कि जब ब्लड यहाँ से इस डायलिसिंग मशीन के अंदर आता है तो यहाँ पर ब्लड और डायलिसिंग सॉल्यूशन दोनों ही एक दूसरे के आइसोटॉनिक होते हैं. बट जो डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है उसमें यूरिया नहीं होता है, जबकि ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. बिकॉज हम ब्लड को फिल्टर आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है. ब्लड के अंदर बेसिक जो प्रोडक्ट होता है जो अपन को एक्सक्रीट आउट करना है वो है यूरिया. यूरिया को हमने एक्सक्रीट आउट करना है. अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ये डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर यूरिया नहीं होता है, और तो यहाँ पर जो यूरिया ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है यूरिया, वो यूरिया यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू सॉल्यूट ट्यूब से बाहर आ जाता है सॉल्यूशन के अंदर.
डिफ्यूजन के थ्रू, बिकॉज ब्लड के अंदर यूरिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि जो डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है उस डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर हम यूरिया नहीं डालते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज एंड बाकी जो ऑल सॉल्यूट होते हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज डायलिसिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लड के सिमिलर बनाया जाता है, आइसोटॉनिक बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिया की कंसेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होती है जो कि डिफ्यूजन के थ्रू सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है, और हमें बेसिक प्रोडक्ट जो यूरिया बॉडी से बाहर निकालना होता है या ब्लड से बाहर निकालना होता है वो होता है यूरिया, बिकॉज यूरिया इज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट। एंड इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो ब्लड के अंदर हाई कंसेंट्रेशन में होती है तो वो कुछ कुछ क्वांटिटी में बाहर आ जाता है, जैसे कि एक्सेस वाटर जो होता है वो बाहर आ जाता है कुछ क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया होता है वो ब्लड के आइसोटॉनिक होता है, और जो यहाँ पर पेशेंट होता है उस पेशेंट का जो ब्लड होता है उसमें वैसे भी ब्लड के अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई होती है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर किडनी काम नहीं कर रही होती है, तो किडनी वर्क नहीं करने की वजह से उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स हो जाते हैं, तो ये सारे जो चीजें होती है ये भी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद में जो क्लीन ब्लड होता है वो क्लीन ब्लड फिर वेंस के अंदर